सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीजीपीएससी से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो पहला मुद्दा है इसे देख लेते हैं। सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2020 का जो कल हाईकोर्ट में हियरिंग होना था यानी कि 12 जुलाई 2020 को, उस पर देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों हाईकोर्ट पर जो है एक दिन में आप जानते होंगे काफी सारे मुद्दों पर जो है सुनवाई होती है, जिस वजह से कुछ कुछ मुद्दे जो है उन्हें डिले कर दिया जाता है यानी टाल दिया जाता है अगले डेट्स के लिए। तो देखिए ऐसा हुआ है कि कल इस वजह से सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2020 पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि बहुत सारे मामले ऑलरेडी पेंडिंग थे, उन पर सुनवाई थी। तो देखिए इस पर जो है आगे 2-3 दिनों में हमें कुछ अपडेट मिल सकते हैं यानी कि इस पर सुनवाई हो सकती है हाईकोर्ट के द्वारा। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है लेकिन उम्मीद है। तो देखिए इस पर जैसे ही कुछ कार्रवाई होती है यानी कोई सुनवाई होती है तो जो भी फैसला होगा उस पर जो है अपडेट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए दोस्तों, जो दूसरा अपडेट है इसे देख लेते हैं। दरअसल ये है, देखिए राज्य सेवा परीक्षा 2020 पर हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव जी हैं अमिताभ जैन जी, उनके द्वारा एक जो है लेटर जारी किया गया है उससे संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों राज्य सेवा परीक्षा 2020 जो है इसे सही तरीके से कंडक्ट कराने हेतु कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं और इसमें जो डेट 26, 27, 28 और 29 मेंशन किया गया है जो कि एक्चुअल में सीजीपीएससी ने भी जो डेट जारी किया हुआ था। तो देखिए बहुत सारे छात्र मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या एक्चुअली इसी डेट में आपका पेपर होने वाला है, क्या डेट पोस्टपोन्ड नहीं होंगे? तो देखिए डेट पोस्टपोन्ड होना या ना होना ये हाईकोर्ट के ऊपर है। इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई जो है 12 जुलाई को होनी थी लेकिन किसी कारणवश जो आपको पता होगा इसे पोस्टपोन किया गया है। तो देखिए जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता हमें 26, 27, 28 और 29 का जो डेट है उसे ही मान के चलना है। हाईकोर्ट का फैसला जब आता है तो तब देखा जाएगा, तब क्या फैसला आता है, क्या होता है, डेट पोस्टपोन होते हैं नहीं होते हैं तब की बात है। वर्तमान के हिसाब से 26, 27, 28 और 29 को ही डेट मान के चलिए और उस अनुसार तैयारी कीजिए। तीसरा अपडेट भी दोस्तों सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2020 से संबंधित है और ये अपडेट दोस्तों पदों की संख्या बढ़ने घटने से संबंधित है। दरअसल देखिए आज का जो हरिभूमि का पेपर है, देखिए आपके सामने हरिभूमि का पेपर खोल के बैठा हूँ। मेन पेपर जो होता है उसका पेज नंबर 3 है। देखिए इसमें मुख्य रूप से दिया गया है एक शुद्धि पत्र है, इसमें देखिए दिया गया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर राज्य सेवा परीक्षा 2020 के कुल रिक्त 175 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक देखिए 26/11/2020 को जारी किया गया था। सेकंड पॉइंट इसमें है छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों से राज्य सेवा परीक्षा 2020 में पदों की संख्या जोड़ने या संशोधित का प्रस्ताव आयोग को प्राप्त हुआ है। तदनुसार आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2020 हेतु जारी उपरोक्त विज्ञापन की खंडिका क्रमांक 3 जो है सेवा या पदों के विवरण में दर्शित तालिका को संशोधित किया गया है। तीसरा पॉइंट देखिए आयोग द्वारा जारी राज्य सेवा परीक्षा 2020 के विज्ञापन क्रमांक में 26/11/2020 की शेष शर्तें एवं खंडिकाएं यथावत रहेंगी। तो देखिए इस पर जो है आगे क्या होने वाला है सीजीपीएससी की वेबसाइट में आ जाएगा, लेकिन ये जो छोटा सा अपडेट है पेपर में आया हुआ है। ये पेपर कटिंग को जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग वहां इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इन सारे अपडेट्स रिलेटेड सारी जानकारी जो है मैंने आपको काफी डिटेल में देने की कोशिश की और उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।